नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल साइन न्यूज सीरीज में स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कम उम्र में बहुत ही छोटे बच्चे जो कि अभी काफ़ी स्टार को भी टक्कर दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे साहिल बाबू और जयश्री। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि टाइटल और पोस्टर में पढ़ लिए जो उनका घर कहाँ है, और दोस्तों मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ जो इस के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने वाला हूं जो कि उनके पूरे परिवार के बारे में, जो कि उनके पिता का नाम क्या है और साहिल बाबू और जयश्री असल में कौन रिश्ता रखते हैं, वह क्या है, सारा जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूं, और जयश्री और साहिल बाबू का घर कहां पे हुआ। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो कि साहिल बाबू और जयश्री बहुत ही कम समय में उन्होंने एक अच्छे खासा मुकाम हासिल कर लिए हैं, जो कि उनके पीछे हाथ है करण लाल यादव, जो कि VFTF यूट्यूब चैनल और उनका कंपनी चलता है, वो काफ़ी बच्चे को सपोर्ट किए ताकि आज वो बड़े मुकाम पर पहुँचे, और उनके माता पिता भी काफ़ी सपोर्ट किए हैं। तो दोस्तों बात करेंगे जो कि साहिल बाबू और जयश्री कहाँ के रहने वाली है और उनके पिता पूरे परिवार के बारे में अब जानकारी आप लोग को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि इसी तरह जब भी मैं छोटी बड़ी जानकारी लाऊं तो आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। और सबसे पहले तो चले दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के बारे में फुल जानकारी देते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो कि जयश्री के बारे में, जो कि जयश्री के पिताजी का नाम क्या हुआ। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं जो कि जयश्री का पिताजी का नाम हुआ विवेकानंद पांडे। और आगे बात करते हैं यानी उनके घर कहां रहने वाला, यानी जयश्री कहां के रहने वाले हैं। तो हम दोस्तों बात करते हैं यानी जयश्री बख्तियारपुर यानी बख्तियारपुर बिहार, यानी बिहार की राजधानी पटना, और पटना के जो गाँव पड़ता है बख्तियारपुर वहीं के रहने वाले हैं, यानी शरीफ धनेश्वर घाट के रहने वाले हैं, यानी साहिल बाबू थी साहिल बाबू और उनके यानी सिस्टर बोला जाए तो जयश्री। और अब बात करते हैं जो कि जयश्री का मम्मी का नाम क्या हुआ। तो जयश्री का मम्मी का नाम हुआ पूनम देवी और पिता का नाम विवेकानंद पांडे, और आप लोग तो जान ही गए घर कहाँ हुआ बख्तियारपुर बिहार, यानी बख्तियारपुर जो गाँव पड़ता है आप लोग को जानकारी शरीफ यानी शरीफ धनेश्वर घाट, ये तो जानकारी मिल गया आप लोग को जो उन्हें कहाँ के रहने वाले और उनके मम्मी और पिताजी का नाम क्या हुआ। लेकिन आप लोग को एक केस सॉल्व कर देना चाहता हूँ जो कि साहिल बाबू और जयश्री क्या असल में भाई बहन हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ वो असल में नहीं है, एक रिलेशनशिप के माध्यम से वह अपने भाई बहन है, कैसे से आप लोग को हम सॉल्व कर देना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो कि साहिल बाबू और जयश्री यानी विवेकानंद पांडे का भांजा हुए साहिल बाबू, और ये दोनों मान के चले तो भांजा के लड़का हुए साहिल बाबू, और ये साहिल बाबू विवेकानंद पांडे का भांजा हुए यानी मामा जी कह सकते हैं साहिल बाबू विवेकानंद पांडे को यानी जयश्री के पापा जी को। तो दोस्तों एक रिश्ता है यानी भांजा का रिश्ता है, तो आप लोग समझ सकते हैं असल में हुआ सिस्टर है, लेकिन असल से भी ज़्यादा मानदान उनको हो रहा है यार ये रिलेशनशिप में। तो दोस्तों ये छोटे बच्चे का कुछ कहानी, कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा। और दोस्तों इसी प्रकार से कोई सा रिलेटेड न्यूज जानना है आप लोगों को तो बेझिझक नीचे कॉमेंट सेक्शन में कीजिए। दोस्तों आप लोग के लिए ज़रूरी मैं वीडियो बना के लाऊँगा, जो कि मैं यह लाया हूँ छोटे बच्चा जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा मुकाम उन्होंने हासिल कर चुके हैं, जो कि साहिल बाबू और जयश्री जो कि काफ़ी गाना आता है जो मिलियन मिलियन में हिट होता है बहुत ही कम समय में, और बहुत ही प्यारा प्यारा साइन का गाना होता है। यूट्यूब पे आप जरूरी सर्च करके देखिएगा साहिल बाबू और जयश्री। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ जानकारी आप लोग के मैं दिया हूँ, तो कैसा लगा जानकारी कॉमेंट कीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग जान सके, ताकि सब लोग को इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।